रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। 4 साल के विकास के दावों की पोल खोलती ये तस्वीर। शौक चाले में सफर करता 8 लोगों का परिवार जय प्रकाश पत्रिका मुरादाबाद। मोदी सरकार के 4 साल हो चुके हैं। तमाम मंत्री और सांसद और भाजपा नेता इन 4 सालों में विकास की गाथा सुनाते नहीं थक रहे। क्या वाकई 4 सालों में देश बहुत आगे जा चुका है? क्या वाकई देश में विकास की गंगा की इतनी तेज बह निकली है जिसमें आम आदमी नहाकर तृप्त हो रहा है? इसी को जानने के लिए मोदी सरकार के सबसे बड़े मंत्रालय और देश के सबसे बड़े विभाग रेल में हुए विकास को जानने के लिए टीम पत्रिका ने रियलिटी चेक किया। बड़ी खबर, सपा प्रत्याशी की जीत के बाद आमने सामने आए भाजपा और सपा समर्थक। पथराव और फायरिंग, 2 का बिल रेल मंत्री फिर भी ये बदहाली। इन 4 सालों में 2 का बिल नेताओं को रेल मंत्री बनने का मौका मिला है। पहले सुरेश प्रभु और फिर डायनामिक पीयूष गोयल। आपके जमा टैक्स से रेल मंत्रालय के विज्ञापनों में न तो ट्रेन के देरी से चलने का डिटेल होता है और न ही प्लेटफार्म पर ठंडे पानी की खराब वेंडिंग मशीन का। हमने जब मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का हाल देखा तो तस्वीर और भयावह हो चली है। यहां अमृतसर से कोलकाता जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन में भीड़ का आलम ये था कि यहां जनरल बोगी में पैर रखने की जगह नहीं। यहां पूरा का पूरा एक परिवार ट्रेन के शौचालय में सफर करने को मजबूर था। फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा वेस्ट यूपी। पुलिस ने 2 बदमाशों को मारी गोली, 2 सिपाही भी घायल। अपहृत इंजीनियर सकुशल बरामद। शौचालय में 8 लोगों का परिवार, जिसे देखकर लगा कि यही है रेलवे की खिड़की से झांकती भारत की गरीबी। यहां किसी अपराधी की तरह स्तब्ध खड़े ये बचे हमारे कैमरे से भय ही खा गए कि उनकी तरफ बढ़ने वाला कैमरा न जाने क्या करेगा, कहीं उन्हें चलती ट्रेन से उतरवा तो नहीं देगा। कैमरा जैसे जैसे नजदीक पहुंचता है, भीतर झांकता है तो पता चलता है कि यह कोच नहीं है, शौचालय है। इस शौचालय में 8 लोगों का परिवार बंद है। अब इस संगठन ने दी बीजेपी सरकार को चेतावनी, कहा किसानों की अनदेखी पड़ेगी महंगी, 2019 में भारी होंगे परिणाम। विज्ञापनों से गायब रहती है ये तस्वीर। इन 8 लोगों ने टीवी पर न तो रेल मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है और न ही अखबारों में छपा विज्ञापन देखा है कि रेलवे का टर्न अराउंड हो गया है। कुछ इसी तरह दूसरे कोचों के शौचालयों में भी लोग भरे पड़े थे। इस तस्वीर को देखकर यही लगता है कि उत्तर भारत के गांवों से मजदूर जब शहरों की तरफ पलायन करता है तो सबसे पहले अपनी आंत को सुखा लेता है ताकि उड़न का सिस्टम मर जाए और जाने की नौबत ही न आए, वरना जनरल बोगी में सवार लोग शौचालय तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। पानी की भी है किल्लत। सोचिए अगर इन लोगों को इंग्लिश आती और इनका ट्विटर हैंडल होता तो ये लोग डायनामिक रेल मंत्री को क्या ट्वीट करते और हमारा कुलीन तबका कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करता। यही नहीं, प्लेटफार्म ए को छोड़ दूसरे प्लेटफार्म पर पानी की 2 से ज्यादा ठंडे पानी के कूलर खराब हैं, जिससे इस तपती गर्मी को कितनी मुश्किल होती होगी, लिखना लाजिमी नहीं है। दिव्यांग युवती के साथ आए ऑटो ड्राइवर ने किया ऐसा घिनौना काम, पुलिस ने किया गिरफ्तार। 14 जोड़ी ट्रेनें इस वजह से रद्द। यहां बता दें कि अब कोहरा भी नहीं है, फिर भी रेल यातायात पूरी तरह चरमराया हुआ है। अकेले मुरादाबाद मंडल में रेल ट्रैक की मरम्मत के नाम पर 14 जोड़ी ट्रेनों को 30 जून तक रद्द कर गया है, जबकि दर्जनों ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं। यही नहीं, कोई कोई ट्रेन तो 2-2 दिन लेट पहुंच रही है। अब इसमें कब और कितना सुधार होगा ये तारीख न नेताओं के पास है और न रेल अधिकारियों के पास। बस अगर मुसीबत में है अगर कोई तो आम आदमी, जो बदलते भारत के सपने में इस बुरे दौर के सफर को न जाने कब तक सफर करेगा।